मनोरोग और व्यसनों से संबंधित उपचार के लिए प्रख्यात राजधानी में रिंग रोड पर स्थित निर्वाण अस्पताल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल NABH के मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला 100 बेड्स वाला अस्पताल बन गया है। अपने योग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस समर्पित टीम के साथ निर्वाण अस्पताल 15 से अधिक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सभी आयु वर्ग के रोगियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करता है। NABH मान्यता विशेष रूप से केवल उस अस्पताल को दी जाती है जो उत्कृष्ट उपचार प्रदान करता है। यह मान्यता इस बात का परिचायक है कि निर्वाण अस्पताल सुरक्षित वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन के उपचार के लिए उत्कृष्ट देखभाल देने के लिए समर्पित है। यह सर्टिफिकेशन इस बात की पुष्टि करता है कि निर्वाण अस्पताल में मरीजों को एक बेहद सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में देखभाल प्रदान किया जाता है। निर्वाण अस्पताल के संस्थापक और MD डॉक्टर HK अग्रवाल के दूरदर्शी नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में अस्पताल में यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीजों को बेहतर उपचार परिणाम देने के लिए समर्पित प्रशिक्षित और योग्य चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। NABH मान्यता प्राप्त करके निर्वाण अस्पताल ने निरंतर सुधार और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपने अटूट समर्पण को प्रदर्शित किया है। जो है मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद जो है किसी भी हॉस्पिटल को NABH एक्रेडिटेशन स्टेटस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इनका प्राइमरी फोकस दो चीजों पर होता है, एक पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर। तो जैसा कि आमतौर पर जो हॉस्पिटल्स नशा मुक्ति या मानसिक रोग के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उनके विषय में बहुत लोगों में सवाल होते हैं, उनके परिजनों में, कि वहाँ सेफ्टी रहेगी कि नहीं, मरीज हमारा ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से वहाँ सुरक्षित रहे, कोई आत्महत्या का प्रयास कर ले या कुछ और समस्या हो सकती है। तो इन सारे मानकों पर भी जो NABH की टीम आती है वो असेसमेंट करती है कि पेशेंट हॉस्पिटल में कितना सेफ है, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, फायर हो गई, कुछ और हो गया, तब कैसे मैनेज होगा, और क्वालिटी जो केयर उनको दी जा रही है उसकी क्वालिटी को असेस करते हैं कि दवाइयाँ कैसी दी जाती हैं। एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। ये पूरे देश में अस्पतालों का मानक निर्धारित करता है। ये अस्पताल में कर्मचारी कैसे होना चाहिए, अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पेशेंट केयर कैसी होनी चाहिए, सेफ्टी प्रोफाइल कैसी है, पेशेंट की सिक्योरिटी कितनी है, पेशेंट के ह्यूमन राइट्स हैं, पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें पेशेंट के ह्यूमन राइट को वायलेट नहीं हो रहे हैं उसका निर्धारण है, और इसमें जितना भी है वो कंसर्न अथॉरिटी से आपका पंजीकरण होना चाहिए। जैसे हम लोगों का CMO से पंजीकरण होना चाहिए, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से पंजीकरण, फिर हमारा आपके एम्प्लॉयज़ के लिए PF अथॉरिटी से होना चाहिए, सर्विस रूल्स हम अवॉइड पूरे उसको पालन करें, फिर फायर का पूरा NOC होना चाहिए, सीवेज डिस्पोजल का, पॉल्यूशन कंट्रोल का, इस प्रकार से 17 प्रकार के NOC काम करते हैं। तो ये मानसिक सुरक्षा के क्षेत्र में, मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में ये पहला देश का 100 बेडेड हॉस्पिटल है जिसको ये मान्यता प्राप्त हुई है। सर, निर्वाण में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस किस तरीके का उपचार? निर्वाण में जो मानसिक रोग हैं जैसे उलझन है, घबराहट है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मैनिया है, नशा है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, और आजकल ये मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन है, या ये आपको डाइवोर्स वगैरह के सुसाइडल आइडियाज ये बहुत आने लगे, तो इस तरह के लोगों का जो दवाओं से और मनोवैज्ञानिक उपचार, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, उसका पूरी तरह से इलाज किया जाता है। और यहाँ पर सभी विधाओं के योग्य और पंजीकृत कर्मचारी उपलब्ध हैं। जैसे अगर नर्सिंग होंगे तो नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, क्वालिफाइड होंगे। अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो इनका जो RCI है उससे रजिस्टर्ड होंगे। फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे। जो डॉक्टर हैं वो हम लोगों के मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड होंगे।
तो अनुभवी और क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पर पूरी तरह से सिस्टमेटिक इलाज करता है और पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। आपके मरीज का इलाज कैसे हो रहा है वो कैमरे से आप देख सकते हो कभी भी, और सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और उस पर फोन पर रहते हैं, ये इसकी विशेषता है। डॉक्टर साहब, अगर पहली बार कोई मानसिक रोगी आपके वहाँ आता है तो आप लोगों की प्राथमिकता क्या होती है? पहले उसका हम असेसमेंट करते हैं, उसका पहले असेसमेंट करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे उसको किस प्रकार का मानसिक रोग है और उसको पहले इलाज की किस प्रकार की विधा की जरूरत है। अगर बिना एडमिट किए ओपीडी में इलाज हो सकता है तो ओपीडी में कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है 2-3 दिन के लिए, उनको वैसे अटेंडेंट के साथ रखते हैं। जिनको भर्ती करना होता है बाद में, वो बहुत 2-4% होते हैं, उनको फिर भर्ती की सुविधा देते हैं। सर, क्या सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं मानसिक रोग अभी कवर्ड प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, इस वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है कि सरकार अलाउ करती है प्राइवेट सेक्टर को तो हम लोग जरूर करेंगे। उसकी कोशिश भी की, हमने पीएमओ ऑफिस को लिखा भी, आयुष्मान भारत में इसको इंक्लूड करें। ठीक, कल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।